विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा मातृशक्ति के तत्वधान में करवा चौथ के पावन पर्व की पूर्व संध्या पर मेहंदी रचाओ कार्यक्रम का आयोजन धर्मशाला स्थित श्री विश्वकर्मा पंचायत मंदिर जटाशंकर गोरखपुर के प्रांगण में संपन्न हुआ। मेहंदी रचाओ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व महापौर सत्या पांडे मौजूद रही। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया, साथ ही मेहंदी लगाने वाली बच्चियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस संबंध में पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने बताया कि नारियां देश व समाज को आगे ले जाने में हमेशा तत्पर रहती हैं। इस पावन व महान पर्व पर महिलाएं अपने पति की दीर्घायु तथा मंगलमय भविष्य के लिए व्रत रखती हैं तथा अपने ईष्ट देवता से प्रार्थना करती हैं। इस अवसर पर मीनाक्षी शर्मा, शीला सिंह, आशा शर्मा, स्नेहलता मिश्रा, उषा श्रीवास्तव, विजेता पूजा, नीतू, अर्चना, रितिका सहित अन्य बच्चियां मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा, कल करवा चौथ है। सौभाग्यवती स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं और हमारे भारतीय संस्कृत में पति के लिए, पुत्र के दीर्घ जीवन के लिए हम महिलाएं व्रत रखती हैं विभिन्न समय पर, और उसके ही संदर्भ में आज एक दिन पहले ये महिलाएं विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी मेहंदी का कार्यक्रम रखी हुई हैं। और क्योंकि मेहंदी एक दिन पहले लगाया जाता है और जब करवा चौथ में 16 श्रृंगार करके बहने महिलाएं वो तरह तरह का व्यंजन बनता है और दिन भर व्रत रहते हैं। शाम को चाँद को देख के, अर्घ दे के चाँद को अपने पति का चेहरा चलनी से देखती है और पति के हाथों ही जल ग्रहण करती हैं, तब जाके कुछ और ग्रहण करती हैं। और बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ पे ज़्यादातर बेटियाँ हैं जो मेहंदी रच रही हैं, और मेहंदी के मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो विवाह योग्य कन्याएं हैं उनका इस वर्ष ज़रूर विवाह हो जाए, जो अगले वर्ष वो लोग करवा चौथ का व्रत रखें। आप लोगों का आभार जो इतने अच्छे कार्यक्रम को आप लोग आम जन तक पहुँचाने का काम करें, बहुत बहुत धन्यवाद।